हाय नमस्ते, मेरा नाम स्माइली सूरी है। पोल स्टार इंडिया इंडिया का फर्स्ट पोल डांसिंग ऑफिशियल पोल डांसिंग स्कूल है। वी कम अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल। हमारा शक्ति पोल कैंप होता है हर साल, पिछले में हुआ था और अब भी हुआ है। लोगों को लगता है पोल डांसिंग बहुत ख़राब चीज़ है, जैसे बेली डांसिंग को लेके, कथक को लेके, तवायफों को लेके हर जगह चर्चा होती थी। लोगों को पोल डांसिंग के ख़िलाफ़ ये प्रॉब्लम है कि लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं तो स्ट्रिपर्स के लिए हैं या बार डांसर्स के लिए, और हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी पोल डांसिंग को अच्छी तरह नहीं दिखाया है। लेकिन आज पहली बार पोल स्टार इंडिया ने एट टेस्ट ऑफ पंजाब बांद्रा पे हमने पोल डांसिंग की है सलवार कमीज़ में, और नॉर्मल लड़कियां नहीं थी। वी हैव अ कैंसर सर्वाइवर जो यहां पे थी, देयर वाज अ 67 ईयर ओल्ड वुमन जिनको आपने देखा, जिन्होंने पोल डांसिंग की। मोटी लड़कियां थी, हर तरह की लड़कियां थी, हर टाइप ऑफ लड़की थी जिन्होंने अपने फियर्स कॉन्कर किए, सलवार कमीज में पोल डांसिंग किया। तो हमने ये प्रूव किया कि पोल डांसिंग पोल फिटनेस है। आपको अपने आप को उठाना पड़ता है, आपको डांस करना पड़ता है, आपकी बॉडी दुख रही है लेकिन आपको स्माइल करना पड़ता है, तो इट इज़ अ स्पोर्ट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पोल स्टार इंडिया एंड आई एम वेरी प्राउड टू से माई गर्ल्स एंड द गर्ल्स हु केम ओवर हियर, वी मेड हिस्ट्री विद ढोल विद पोल। इस वर्कशॉप की खासियत ये थी, हाँ टेस्ट ऑफ पंजाब बांद्रा पे थी, बट इसकी खासियत ये थी कि इट वाज डन टू ढोल, जो कि हमारा बहुत ही एक इट ब्रिंग्स अप योर हार्ट बीट परकशन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत जोश है। तो मतलब उस जोश में लड़कियां पोल पे चढ़ गई और बहुत मज़ेदार था। पता नहीं, मैं पता टेस्ट ऑफ पंजाब आई थी मिस्टर संदीप सोपारकर के इवेंट को होस्ट करने के लिए, और मुझे पता नहीं ढोल पे मज़ा आ रहा था, और मैं लोहड़ी के लिए भी आई थी, तो पोल तो मेरा था ही, पोल फिटनेस, पोल स्टार इंडिया तो मेरी कंपनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना ढोल पे पोल करें, और मैंने कहा क्यों ना, क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन पोल्स हैं जो आप भी चढ़ सकते हो अगर आप अपने जीन्स और फुल कपड़े पहने हुए, बहुत महंगे पोल्स हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं उन औरतों को चांस दूँ, यू कैन बी 60 एंड अबव, आप आर्थरा, कुछ लोगों को आर्थराइटिस था, कुछ लोगों को वर्टिगो था जैसा आपने देखा, कुछ लोगों को कैंसर से रिकवर हुए हैं, कुछ लोग हैवी हैं, लेकिन उन सब ने पोल किया और वो भी सलवार कमीज़ में। तो अब आपके पास पोल डांसिंग करने या ना करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ पोल डांसिंग सिखा रही हूँ, मैं खुद पे कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो द रीज़न आई गॉट इन टू इट बिकॉज आई वॉज इन डिप्रेशन, आई हैड थायरॉयड PCOD, आई हैड पुट ऑन वेट, लेकिन मैंने हर किस्म की डांसिंग की थी, सालसा, लैटिन बॉल रूम, जैज, कंटेम्प्रेरी, शामक के साथ, संदीप सोपारकर के साथ, लेकिन जब मुझे पोल मिला तो मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा त्रिशूल मिल गया। तो अब मैं इसके साथ एक फिटनेस प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। यस, अभी योगा बहुत ज़रूरी है, तो मैं योगा बहुत कर रही हूँ। बाय अप्रैल आई हैव टू बी हाफ माय साइज़ एंड आई हैव अ गोल, बिकॉज मेरी टीचर्स आ रही हैं अब्रॉड से, और हमारा शक्ति पोल कैंप होगा जहाँ पे ढोल पे पोल होगा। ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से हमने बताया कि कैंसर पेशेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी कर रहे हैं, जी, सो काफ़ी एक अलग और एक अलग इनिशिएटिव है, जी, जिस तरीके से आपके दिमाग में, पता नहीं, आई थिंक मेरा पोल, मेरे पास जो लड़कियां आती हैं वो ऐसी ही हैं जिन या तो मतलब डिप्रेशन से गो थ्रू हो रही हैं, या उनके साथ कोई इश्यूज हैं, और दे आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, और देयर हस्बैंड्स हैव लेफ्ट देम, और देयर कैंसर पेशेंट्स, और दे हैव सम इशू, सो आई ऑलवेज गेट केसेस विच गेट सॉल्वड। वो जो 12 क्लासेस मेरे साथ करती हैं पोल के, उसके बाद वो चेंज हो जाती हैं, वो लड़कियाँ अपने आप को संवारती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छी लगती हैं, एंड फॉर मी दैट इज़ इट इज़ वेरी सैटिस्फाइंग टू सी कि एक लड़की डिप्रेशन से निकली, एक लड़की जिसकी रिस्क मूव नहीं कर रही थी, कैंसर सर्वाइवर है, वो पोल कर रही है, एक लड़की जो मोटी है वो खुश और अच्छी लग रही है, तो दैट इज़ माई विन। ओके स्माइली, इसी के साथ में जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब पोल डांस को एक मतलब लोगों की एक अलग ही मतलब एक अवधारणाएं हैं इसके बारे में, लोग अलग ही सोचते हैं कुछ पोल डांस के बारे में, लगता है कि मतलब इस तरीके से आपने बताया सलवार कमीज और मतलब इंडियन में जो लोगों के मन
डिमांड में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा? बदलाव तो ज़रूर आएगा। देखिए, मलखम जो हमारा इंडियन पोल है, जो शिवाजी पार्क में है, जो जिसकी शुरुआत पेशवाज ने की थी, झांसी और अवरानी भी मलखम करती थी, मलखम वुडन पोल है, उसकी सभ्यता इंडिया में है। मलखम भी लंगोट पहन के किया जाता है। जिमनास्टिक्स में भी हम कम कपड़े पहनते हैं। हम क्यों कम कपड़े पहनते हैं? ताकि हम पोल को या मलखम को या उसको ग्रिप कर पाएँ। लाइट रहेंगे तो हम फ्लिप्स कर पाएंगे। लकीली मेरे पास सिलिकॉन पोल है तो आप फुल कपड़े पहन सकते हो। जिमनास्टिक्स में आजकल लड़कियां चेंज, लेकिन आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पहनते हो ना, उसके लिए लोग कुछ नहीं कहते। सो हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। जब शामक दावर ने भी शुरू किया था तो लोग उन पर हंसते थे। जब सालसा लैटिन बॉलरूम आया था तो आई एम श्योर उस पर कुछ हुआ था। बेली डांसिंग अब जाके एक्सेप्ट हुआ है। कथक भी पहले लोग कहते थे तवायफों के लिए, सिर्फ एक्ट्रेसेस करती हैं। तो हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन जब लोगों को उसके बेनिफिट्स पता चलते हैं ना, तब मज़ा आता है। लास्टली ऑल आई वॉन्ट डू इज, ऑल आई वॉन्ट से इज स्टे हैप्पी एंड डोंट बी अफ्रेड एंड यू नो कंडीशन योर माइंड से यू कैन डू एनी थिंग। पोल से हम लोगों को ये महसूस करवाते हैं कि माइंड ओवर मैटर, आप जो चाहे आप कर सकते हो। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड कम फॉर मोर ढोल विद पोल। थैंक यू।